हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहीएंस। फ्रेंड्स, आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आते थे कि राजस्थानी शैली पे वीडियो बनाइए, तो आज मैं आप लोग को ये राजस्थानी शैली के ऊपर अपना हैंड रिटन नोट्स है ये मेरा, उसका मैं वीडियो बना रही हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें मैंने पॉइंट वाइज चीज़ें को नोट कर रखा है, जिससे आपको जो डिटेल में आप पढ़ते हो क्वेश्चन, पूरी पुस्तक पढ़ते हो और उसमें से कुछ चीज़ें आप नोट डाउन करते हो, वैसे मैंने नोट डाउन कर दिया है मेन मेन चीज़ें। और मेन मेन चीज़ों में भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक भी चीज़ें उसमें से मिस नहीं हुई हैं, लगभग मैंने ऑलमोस्ट चीज़ों को कवर किया है इस हैंड रिटन नोट्स में। तो अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते, मैंने देखा है आप लोग अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग को वीडियोस से हेल्प कैसे मिलेगी, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तभी आपको इसकी जो डीप्स है, इसमें मैंने राजस्थानी शैली में पूरी शैलियों का भी विवरण बाद में दिया है। इसके एक के बाद एक मैंने किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, ये सारी शैलियों को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। बूंदी, कोटा, ये सब शैलियों को इंक्लूड किया है। तो आप अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। और ये हैंड रिटन नोट है ये मेरा, आप एक बार वीडियो को पूरा सुने, देखें किस कैसा लगता है, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना कि हाँ ये वीडियो अच्छी लगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैं एवरी डे मैं वीडियोज़ को लाती रहती हूँ, एजुकेशनल वीडियोज़ इस तरीके के मैं लाती रहती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली कब से कब तक चली है? राजस्थानी शैली जो 1550 मीन्स 1550 से 1900 ईस्वी तक रही है। उद्भव और विकास इसका देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में कागज़ के आविष्कार ने ग्रंथों के चित्रण में क्रांति उत्पन्न कर दी। राजस्थानी शैली जो चित्र है वो मिनिएचर पेंटिंग्स में आती है। मिनिएचर पेंटिंग्स आपका जब पेपर का आविष्कार हुआ उसके बाद क्रांतिकारी उत्पन्न उसमें चित्रण होने लगे। राजस्थानी शैली का प्रथम उदाहरण सन 1451 ईस्वी में चित्रित वसंत विलास है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि वसंत विलास कब बना था, राजस्थानी का प्रथम उदाहरण कौन सा है, तो वसंत विलास। एक क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं एक टॉपिक से, ठीक है। इसके पश्चात बने चित्रों में महापुराण, कुतुबन की मृगवती, विल्हड़ की चौर पंचाशिखा, मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रकला शैली का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके बाद जैसे सबसे पहले वसंत विलास, उसके बाद महापुराण, कुतुबुद्दीन का कि मृगवती, कुतुबुद्दीन ने मृगवती का वो किया था, विल्हण की चौर पंचाशिका, इस तरीके से विल्हण ने चौर पंचाशिका का चित्रण किया था, मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, मुल्ला दाऊद ने लौर चंदा एक लाइंस में, मतलब आप देखोगे कि मेरा एक पैरा है, इसके पश्चात बने चित्रों में महापुराण, कुतुबुद्दीन, तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। कुतुबन की मृगवती, विल्हड़ की चौर पंचाशिखा, मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, गीत गोविंद तथा रागमाला आदि में राजस्थानी चित्रकला का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है। इस शैली का महत्वपूर्ण परिवर्तन 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थानी का महत्वपूर्ण परिवर्तन कब होता है। इस समय मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर समस्त राजपूतों को अपने प्रभाव में ले लिया था। प्रारंभ में इन शैलियों पर गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव बना रहा, किंतु बाद में राजस्थान की चित्र शैली मुगल कला में समन्वय से परिमार्जित होने लगी। तो ये भी कहा जाता है कि राजस्थानी शैली किसका परिमार्जित रूप थी, तो मुगल कला के समन्वय और परिमार्जित रूप स्वरूप को ग्रहण करने लगी थी। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के उनके साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बनने लगा था। काल खंडावाला ने
क्या कहा था? कार्ल खंडावाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्ल खंडावाला ने स्वर्ण युग कब माना था? तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल की राजस्थानी चित्रकला को स्वर्ण युग माना था। मुगल कला के प्रभाव के पश्चात राजस्थानी कला अपना अस्तित्व बनाए रही। तो इसका भी क्वेश्चन आ जाएगा कि मुगल कला के प्रभाव के पश्चात, मतलब अगर प्रभाव आया राजस्थानी चित्रकला में, फिर भी राजस्थानी कला ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। जिस तरीके से मुगल कला दरबारी कला थी, उनमें राज दरबारों के कला किए जाते थे, उस तरीके से राजस्थानी शैली भी एक राज दरबारी थी, जिसमें बनी ठनी का आप सबसे ज़्यादा नाम सुने होंगे, बनी ठनी को चित्रित किया गया था। तो इस तरीके से राजस्थानी चित्र का जो अपना अस्तित्व था वो भी नहीं खोया, वो उसने बनाए रखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 17वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला में शाही तड़क भड़क और शासकों के ऐश्वर्य तथा विलासितापूर्ण जीवन के चित्रण की प्रधानता है। जब 17वीं शताब्दी आया तो राजस्थानी शैली चित्रकला में शाही तड़क भड़क दिखने लगा था। जैसे शासकों ने अपने हिसाब से चित्रों को बनवाना शुरू किया, तो उन्होंने अपने राजाओं के राजा के साथ जो भी उन्होंने प्रजा और ये सब चीज़ों को, उन्होंने अपने पूरे राजसी वैभव को, विलासितापूर्ण जीवन को उसमें दिखाना शुरू किया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये चीज़ें जो थी 17वीं में थी। अभी 19वीं के प्रारंभ में देखेंगे, राजस्थानी शैली में बने चित्रों में भाव चित्रण की निर्जीवता आने लगी थी। अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण राजस्थान की चित्रकला को गहरा आघात लगा था। राजस्थान जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा तो राजस्थान की चित्रकला को आघात लग गया। अब राजस्थानी चित्रकला का नामकरण पे काफ़ी मतभेद है कलाकारों का और विद्वानों का। तो हम देखते हैं कि कौन से जो विद्वान थे उन्होंने राजस्थानी चित्र को कौन कौन सा नाम दिया था। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जो थे 1960 में इसे राजपूत पेंटिंग के नाम से पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला की व्याख्या की थी। राजपूत पेंटिंग वाले जो पुस्तक थी इनकी, उसमें इन्होंने राजस्थानी चित्रकला की व्याख्या की थी। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग भी कहते हैं, राजस्थानी चित्रकला भी कहते हैं। ठीक है, राजपूत चित्रकला को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना था और पहाड़ी चित्रकला अर्थात जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसोली, चंबा आदि पहाड़ी रियासतों से संबंधित थी। तो उन्होंने राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना रखा और पहाड़ी चित्रकला का जम्मू, कांगड़ा। ये इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया था आपको। ठीक है, इन रियासतों में राजपूत राजा होने के कारण राजपूत शैली के नाम से दिया गया। जो राजा थे उस समय वो राजपूत थे, इस वजह से वो राजा राजपूत शैली के नाम से दिया गया। परंतु वाचस्पति गैरोला ने राजपूत शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकारा। उन्होंने न केवल राजपूताना कला मानकर उन्होंने एक एरिया का नाम दिया राजस्थान की चित्रकला को, उन्होंने स्वीकारा। किसने स्वीकारा? वाचस्पति गैरोला ने। और राजपूत पेंटिंग किसने कहा था? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला के नाम से संबोधित किया था। तो दो चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन ये पूछ देगा कि किसने राजपूत शैली का नाम दिया, किसने राजस्थानी शैली का नाम दिया। तो आपको ये बताना होगा कि राजपूत शैली का नाम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दिया था, वाचस्पति गैरोला ने सिर्फ राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकारा था। राजस्थानी शैलियों की उप शैलियाँ हैं। राजस्थानी जो शैली थी उसकी उप शैलियों में विद्वानों ने उनके जो जगहों के नाम थे उससे एक उप शैली नाम दिया, जिसमें आता है मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार। ये चीज़ें बिल्कुल याद कर लेने वाली है कि मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। मेवाड़ में उदयपुर देवगढ़ नाथ द्वारा, आप ये चीज़ देख सकते हो। इसका ट्रिक अगर आप देखोगे तो मेवाड़ का जो ट्रिक है उसमें उदय, देव और नाथ, मीन्स आप भगवान से रिलेटेड तीनों जो चित्र शैलियां हैं उनको आप ऐड कर सकते हो मेवाड़ में, उदय, देवगढ़ और नाथ द्वारा। फिर मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, ये जो
हैं, ये मारवाड़ शैली में आते हैं। हड़ौती में कोटा बूंदी आता है। आप कोटा बूंदी और झालावाड़ अगर पढ़ते हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि ये हड़ौती में आता है। ढूंढार में जयपुर अलवर उनियार शेखावटी है। ढूंढार शैली में जयपुर अलवर उनियारी शेखावटी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ शैली, मेवाड़ अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित मेवाड़ भूखंड जो 1948 ईस्वी में राजस्थान प्रदेश में विलय हुआ था। इसका जो स्थिति थी राजस्थान में वो कहाँ थी? मेवाड़ के अरावली पर्वत शिखराओं के मध्य स्थित मेवाड़ भूखंड, मीन्स जो मेवाड़ के राज्य में आते थे वो 1948 में राजस्थान प्रदेश में इसका विलय हो गया था। प्रथम चित्रकला का नवीना नमूना मेवाड़ शैली में श्रावक प्रति क्रम क्रमण सूत्र चूर्णी का नाम आता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्रावण प्रति क्रम क्रमण सूत्र चूर्णी ये सबसे पहले मेवाड़ शैली में आता है। और दूसरा जो सचित्र ग्रंथ था वो कल्प सूत्र था जो 1418 ईस्वी में बना था। मेवाड़ शैली का अंतिम चित्र अवभ्रंश शैली से निर्मित जैन ग्रंथ सुपासनाचार्य सुपार्श्वनाथ चरितम में मिलता है। इसका संरचना काल सन 1423 है। सुपार्श्वनाथ चरितम ये अपभ्रंश शैली से निर्मित माना जाता है जो जैन धर्म से संबंधित है। ये याद कर लेने का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गीत गोविंद अरण्यायी का एक अन्य सचित ग्रंथ है जो 1455 ईस्वी में बना था। गीत गोविंद अरण्यायी का नेक्स्ट विलहर कृत चौर पंचशिखा ग्रंथ जो कि सन 1540 में मेवाड़ शैली में मिलता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौर पंचशिखा आ जाता है, किसने बनवाया है? तो विलहर ने। किस सन में बनवाया था? 1540 में। विलहर कृत चौर पंचशिखा 1540 में मेवाड़ शैली में मिलती है। ये आप एक एक वर्ड इसका इम्पॉर्टेंट है। विलहर कृत चौर पंचशिखा ग्रंथ 1940 में मेवाड़ शैली में, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपावती विलहर नामक चित्र इसका सुंदर उदाहरण है। अब ये चौर पंचशिखा में चंपावती विलहर नामक जो चित्र था वो उसका सुंदर उदाहरण है। ऐतिहासिक पीठिका एवं चित्रकला का विकास। महाराणा मीन्स अब हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कलाकार कौन से राजा उस समय कला को कितना प्रोत्साहन देते थे। तो महाराणा कुंभा जो थे वो 1433 से 1464 तक थे। यहाँ पे 68 मेरा थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, ये 68 है, ठीक है। 1433 से 1468 ईस्वी का काल मेवाड़ के काल का स्वर्ण युग माना जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेवाड़ के काल का स्वर्ण युग किस राजा के समय था। तो आपको ये याद रखना है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा किस सन के थे? तो 1433 से 1468 तक के काल के थे महाराणा कुंभा, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। महाराणा कुंभा एक न सिर्फ एक संरक्षक थे, वो एक कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे। महाराणा कुंभा स्वयं कवि, कला संरक्षक एवं संगीतज्ञ थे। वो कला को एक संरक्षण देना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो खुद भी एक कलाकार के रूप में थे। महाराणा कुंभा के बाद राणा संगा ने गद्दी को संभाला था, ठीक है। इस काल में मुगल शैली के से प्रभावित चित्रित ग्रंथों में प्राचीनतम कृत ढोला मारू है। 1592 ईस्वी में ढोला मारू है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ढोला मारू मेवाड़ शैली किस राजा के समय में? तो महाराणा कुंभा के समय में। ढोला मारू 1592 ईस्वी में बनी थी जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये भी पूछ देता है कि ये पेंटिंग ढोला मारू कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। जैसे बनी ठनी भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, वैसे ही ढोला मारू भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित की गई है। उसके बाद आते हैं राणा अमर सिंह प्रथम जो कि 1597 से 1620 ईस्वी तक थे। 1597 से 1620 ईस्वी तक। 1605 में
ईस्वी में निसारुद्दीन नामक कलाकार ने रागमाला के चित्र चावंड में चित्रित किया। 1605 ईस्वी में रागमाला के चित्र चावंड में निसारुद्दीन नामक कलाकार ने चित्रित किया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। रागमाला 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्र चावंड में निसारुद्दीन नामक कलाकार ने चित्रित किया था, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। एक वर्ड इसका आपको वेस्ट नहीं जाएगा, एक वर्ड इसका भी मीन्स सारे वर्ड, एक एक वर्ड आपके इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। मैंने जो भी इसमें नोट डाउन किया है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट किया है। अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी के शासनकाल में मर्दाना महल जनाना महल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन ये आ जाता है कि मर्दाना महल जनाना महल को का निर्माण किसने कराया था, तो अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह ने 1620 ईस्वी से 1628 ईस्वी तक के शासनकाल में मर्दाना महल और जनाना महल का निर्माण कराए थे। गीत गोविंद सन 1629 ईस्वी सूरसागर रसिक प्रिया साहब दीन नामक कलाकार ने चित्रित किया था। ठीक है, रामायण के सचित्रपति मनोहर के द्वारा चित्रित है, जो उस समय राजस्थानी चित्र में रामायण की जो सचित्र प्रति थी वो किसके द्वारा चित्रित थी, वो मनोहर के द्वारा। क्वेश्चन हमेशा ये आता है केवीएस में, एनवीएस में, टीजीटी पीजीटी में, ये सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल श्योर आने ही आने हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, मेवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो साहबदीन और मनोहर थे। दो कलाकार थे मेवाड़ शैली के, साहबदीन तथा मनोहर। प्रमुख चित्र नायिका भेद रसिक प्रिया, सन 1648 में साहबदीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण, सन 1651 में मनोहर द्वारा चित्र रामायण, सन 1651 में आर्य रामायण मेवाड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस शैली में सूरसागर रसिक प्रिया गीत गोविंद राग रागिणी तथा अन्य विषय चित्रकला के आधार रहे। बिहारी सतई सन 1719 ईस्वी में चित्रित की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने पढ़ लिया राजा के संरक्षण के बारे में, चित्रों के बारे में, कलाकार के बारे में। अब हम कुछ चित्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ चित्र शैली के चित्रों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार थी। प्रकृति थी, पुरुषाकृति और वस्त्राभूषण। थर्ड है स्त्री आकृति तथा वस्त्राभूषण। विषय हाशिए भवन, रात्रि दृश्य, पशु पक्षी, परिप्रेक्ष्य, रंग भाव। तो मेवाड़ शैली में प्रकृति का चित्रण हुआ है चित्रों के साथ साथ, पुरुषाकृति भी हुई है, पुरुषाकृति के साथ वस्त्राभूषण भी बिल्कुल डिफरेंट बनाए जाते थे, स्त्री आकृति तथा वस्त्राभूषण। विषय हाशिए भी बनाए जाते थे राजस्थानी शैली में। भवन रात्रि दृश्य, पशु पक्षी का चित्र बनाए गए। परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य मीन्स जानते हैं आप, परिप्रेक्ष्य वो होता है जो पास की चीज़ें, फिर दूर की चीज़ें, फिर उससे दूर की चीज़ों को वो लोग चित्रित किया करते थे। परिप्रेक्ष्य आपके मुगल शैली में भी चित्रित होता था। रंग, रंग इसमें चटकीले होते थे, यूज़ किए जाते थे। भाव, चेहरे पे भाव भी प्रदर्शित किया जाता था राजस्थानी शैली में। सर्वप्रथम उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका था, श्रीधर अंधारे को जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीधर अंधारे को सर्वप्रथम उपशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। घासीराम किस कलाकार का, किस शैली का कलाकार था, तो घासीराम जो था वो नाथ द्वारा शैली का था। नाथ द्वारा शैली की प्रमुख महिला कलाकार कमला और इलायची, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये महिला कलाकार थी कमला और इलायची। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जोधपुर, मारवाड़ शैली में जोधपुर आता है। मेवाड़ शैली का हो गया, मेवाड़ शैली में क्या क्या था आपने, मैंने बता चुकी हूँ। मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ते हैं। मारवाड़ शैली में जोधपुर के बारे में पहले पढ़ेंगे। मरुस्थल, मरुभूमि या मरुप्रदेश आदि नामों से जाना जाता है, इसीलिए इसको मारवाड़ कहते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभ में यह प्रदेश मरुस्थल नहीं था, पहले ये मरुस्थल नहीं था, बाद में हुआ। 16वीं शताब्दी में भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई का मारवाड़ में जन्म हुआ था। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि मीराबाई कहाँ की थी, मारवाड़ राजस्थान की थी। ठीक है, मारवाड़ या जोधपुर शैली के नाम से जानी जाती है। मारवाड़
या जोधपुर शैली के नाम से इसको जाना जाता है। मारवाड़ शैली क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दक्षिणी शैली के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मारवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्र है। प्रारंभिक चित्रों में मारवाड़ को स्पष्ट छवि उजागर मारवाड़ की स्पष्ट छवि उजागर हुई है। उनमें भागवत 1610 में, पाली रागमाला 1623 ईस्वी में, ढोला मारू 1630 ईस्वी में, उपदेश माला वृत्ति 1634 ईस्वी में, रसिक प्रिया विलाड़ा 1653 ईस्वी प्रमुख रहे हैं। ये सारे जो चित्र हैं ये मारवाड़ शैली के प्रमुख रहे हैं। ठीक है, इसमें मूलतः स्थानीय लोक शैली का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। राजस्थानी में लोक शैली का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है, ये भी नोट करने वाला टॉप लाइन है। चित्रों के विशेषताएं, इसमें रंग योजना और अपभ्रंश शैली से भिन्न है। समायोजन में भी विविधता दिखलाई देती है। ये चित्र मारवाड़ में मुख्यतः पाली व अनेक आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। कला संरक्षण, मारवाड़ शैली के पूर्ण विकास का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक मारवाड़ शैली के पूर्व विकास का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा है। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। 1532 से 1568 ईस्वी तक 1532-1568 ईस्वी को है। मालदेव से पूर्व मारवाड़ की चित्र शैली पर मेवाड़ का पूर्व प्रभाव था। ठीक है, मालदेव से पूर्व मारवाड़ की चित्र शैली पर मेवाड़ का, पहले मेवाड़ एक ही राज्य था जिसका उस पर प्रभाव था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। इस शैली काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चौथे का महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं, जो बड़ौदा म्यूजियम बड़ौदा में सुरक्षित हैं। मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय महाराजा अजीत सिंह 1707 से 1724 ईस्वी के राज्य से होता है। ठीक है, मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय महाराजा अजीत सिंह के राज्य में होता है, जो कि 1707 से 1724 ईस्वी तक रहे हैं। नेक्स्ट, महाराजा मानसिंह, ये थोड़ा सा धुंधला फोटो क्लियर नहीं आई है। महाराजा मानसिंह 1803 से 43 ईस्वी के शासनकाल में मारवाड़ शैली का अंतिम प्रभावपूर्ण चरण प्रारंभ होता है, जो कालांतर में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। महाराणा मानसिंह एक कला प्रेमी थे। उन्होंने कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में बड़ी मदद की थी। क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ का इतिहास किसने लिखा था, तो राइट आंसर इसका कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने लिखा था। किसके संरक्षण में मीन्स कौन से राजा ने उनकी मदद की थी, तो महाराजा मानसिंह के नाम से आ जाएगा, जो कि एक कला प्रेमी थे। मारवाड़ा शैली के महाराजा मानसिंह कला प्रेमी थे। उन्होंने कर्नल टॉड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में बड़ी मदद की थी। मानसिंह ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि भी की थी। स्त्री को हुक्का पीते सन 1816 में बने हैं। मारवाड़ शैली में लोक कथाओं का अंकन भी किशनगढ़ शैली जैसा ही है। मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो किशनगढ़ शैली में लोक कला शैली को प्रादुर्भाव प्रमुखता दी गई है, उसी तरीके से मारवाड़ शैली में लोक कथाओं का अंकन किया गया है। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे शिवदास भाटी, देवदास, जीतमल और काला रामू। ठीक है, ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्टों के नाम। इसके बाद हम पढ़ते हैं बीकानेर शैली। मारवाड़ राव जोधा के छठे पुत्र बीकाजी थे, जो इस राज्य का शिलान्यास किए थे। बीकानेर, उनके नाम पे ही बीका
नेर शैली पढ़ी थी, बीकानेर जगह का नाम पढ़ा था। जर्मन कलाविद हरमन गोयर्ज ने बीकानेर की लघु चित्र शैली के उद्भव के संबंध में अपनी पुस्तक आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर में लिखा है कि बीकानेर शैली का आरंभ अनेकानेक रेखा चित्रों एवं आकृतियों में देखा जा सकता है जो कि जीड शीड कागज पर उपलब्ध हैं। बीकानेर शैली के प्रवर्तक राजा अनूप सिंह थे। बीकानेर शैली के जो प्रवर्तक थे वो राजा अनूप सिंह थे। राजा अनूप सिंह का चित्र राज्य संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, ये पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताती जा रही हूँ। एक क्वेश्चन आप एक बार नोट करते जाना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको या आप नोट करते चले जाइए, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या। किशनगढ़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। बीकानेर शैली के बाद हम किशनगढ़ शैली के बारे में पढ़ेंगे जो कि राजस्थानी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किशनगढ़ शैली, कोई भी क्वेश्चन आए ना आए, राजस्थानी शैली के बारे में कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन किशनगढ़ शैली के बारे में ज़रूर एक क्वेश्चन आता ही। 100 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ज़रूर आना है, दो क्वेश्चन ज़रूर आना है किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली का स्थान राजस्थानी शैली में विशिष्ट है और मारवाड़ शैली की प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त होता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय विद्वान एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली को जाता है। क्वेश्चन आता है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में किस विद्वान ने लाया था, तो एरिक डिकिन्सन और डॉक्टर फयाज अली। इन्होंने अपनी पुस्तकें लिख लिख कर राजस्थानी शैली के किशनगढ़ शैली को उजागर किया था। जोधपुर के राजा राजा उदय सिंह को 16वें पुत्रों में सबसे में से 8वें पुत्र किशन सिंह ने सन 1909 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। तो याद करने वाली बात है कि जोधपुर के राजा उदय सिंह जो थे उनके 16 पुत्र थे जिनमें से 8वें पुत्र किशन सिंह ने इसकी नींव रखी थी, जो कि कब रखी थी, 1909 में। ये क्वेश्चन आता है कि किशनगढ़ का नींव कब रखा गया था, तो 1909 में। किसने रखा था, किशन सिंह ने रखा था। ये किसके पुत्र थे राजा उदय सिंह के। ठीक है, महाराजा राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह, महाराजा राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह 1699 से उनका टाइम है 1699 से 1764 मीन 1699 to 1764 ईस्वी ने इस शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया था। महाराजा राज सिंह और उनके पुत्र सावंत सिंह, जो थे वो ही सबसे ज़्यादा इसको चरम पे पहुँचाए थे और राज सिंह ने भी। किशनगढ़ चित्र शैली की विकास यात्रा, किशनगढ़ चित्र शैली के उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को जाता है। सबसे पहला है प्रथम कवि चित्रकार भक्त कला प्रेमी राजा सावंत सिंह, जिनके आश्रम में कला उत्कर्ष को प्राप्त हुई। द्वितीय जाता है महाराजा सावंत सिंह की प्रिया बनी ठनी को, और तीसरा था सावंत सिंह का अश्र चित्रकार मूर्ध्वज निहालचंद। निहालचंद का नाम हमेशा आता है। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मूर्ध्वज निहालचंद को था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि ये इसको चरमोत्कर्ष तक लाने का श्रेय 3 लोगों को जाता है, पहला राजा को, दूसरा उनकी प्रेमिका बनी ठनी को, और तीसरा जो कलाकार थे मूर्ध्वज निहालचंद उनको। इसके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या है 75 बताई जाती है, 75 बताई जाती है, जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निहालचंद द्वारा चित्रित नागरी दास का काव्य चित्रण 1735 से 1757 ईस्वी के बीच हुआ था। सूर ध्वज मूल राज कौन था, निहालचंद का पिता था। एक और क्वेश्चन आता है कि सूर्य ध्वज मूल राज निहाल चंद्र के पिता थे। सूरध्वज मूल राज दिल्ली से आकर किसके राज्य में दीवान नियुक्त किए गए थे, तो राजा मानसिंह के राज्य में, जो कि उनका टाइम पीरियड था 1658 to 1706 मीन 1658 से 1706 ईस्वी तक। सूरध्वज तथा उनके वंशजों ने किस शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, तो सूरध्वज ने और उनके वंशजों ने किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया। ये इन्फॉर्मेशनल भी है और क्वेश्चन टाइप मैंने बना दिया है इसको, जिससे आपको इसको लर्न करने में बहुत इजी हो जाएगा। सूरध्वज के वंशज कलाकार कौन कौन से थे, सीताराम और बदन सिंह। अमरू और सूरजमल का चित्रण किसके समय का है, तो सावंत सिंह का है। सावंत सिंह के भाई बहादुर सिंह के समय में कौन सा चित्रकार था, तो नानक राम था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद करने में टफ लगेगा, बट नोट वाइज आप बनाते जाओगे तो आपको धीरे धीरे कई बार आप याद करोगे, आप सुनोगे इस वीडियो को
तो चीज़ें याद हो जाएंगी। राजा कल्याण सिंह के राज्यकाल में 1798 से 1838 ईस्वी में कौन सा कलाकार चित्रकला के विकास में विशेष योगदान दिया था, जो लाडली दास थे। कल्याण सिंह के समय में किशनगढ़ शैली में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ था, गीत गोविंद का। ये क्वेश्चन आता है कि गीत गोविंद का किशनगढ़ शैली में जब पूछेगा तो किसके समय में हुआ था, कल्याण सिंह के समय में। पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय का कथन है कि सौंदर्य शास्त्रीय गुणों के संपन्न किशनगढ़ शैली को समझने के लिए भावनात्मक प्रबोध और संवेगात्मक आवेग की आवश्यकता है, न कि मात्र बौद्धिक चेतना की। वस्तुतः दो आत्माओं का काम और आध्यात्मिक प्रेम है ही जिसने की किशनगढ़ शैली की चित्रकला को जीवन दान दिया है। तो इसमें एक तरीके से आप चित्र को देखोगे तो आप उनकी फीलिंग्स को समझोगे कि कलाकार है एक, दूसरा जो राजा है वो प्रेमी राजा है और फिर प्रेमिका है। तो इस तरीके से आप इस किशनगढ़ शैली को समझना भी बहुत ही, आप उसको दूसरे भावनात्मक संवेग से समझोगे तभी ये समझ में आएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है किशनगढ़ शैली। अब कला मनीषी पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान के ही कलाकार रहे हैं, उन्होंने कहा कि तो स्पष्ट मान्यता है कि आकर्षण विस्फारित नेत्र आगे निकलती हुई गहरी चिबुक वाली किशनगढ़ शैली की बनी ठनी लियोनार्डो दा विंसी कृत मोनालिसा के समकक्ष है, जिसे विश्व का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया है। इस प्रकार 18वीं शताब्दी की राजस्थानी चित्रकला निहाल चंद्र और उनके संरक्षक सावंत सिंह की सदा ऋणी रहेगी। तो इस तरीके से राजस्थानी शैली में अगर किसी का सबसे ज़्यादा नाम होता है तो किशनगढ़ शैली में। और आप यहाँ पे इन्होंने कृपाल सिंह शेखावत ने कहा है कि लियोनार्डो दा विंसी का जिस तरीके से वेस्टर्न आर्ट में हम लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा को हम जानते हैं, फॉरेन की मोनालिसा, उस तरीके से इंडिया की बनी ठनी का नाम आता है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढार, हड़ौती। तो अभी मैं कोटा बूंदी को भी लेके आऊँगी। अभी मैं इतना ही बड़ा वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट इसका मेरा जल्दी आएगा। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये वीडियो मेरी पूरी हैंड रिटन नोट्स है और मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है। टू द पॉइंट मैंने इसमें बोला है, एक भी चीज़ें मैंने फालतू नहीं, कुछ भी नहीं कहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप इन टच माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही। यस फ्रेंड्स, राजस्थानी कला शैली के बारे में मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था, जो कि काफ़ी डिटेल में वन लाइन करके मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स से आपको पढ़ाया था। तो राजस्थानी शैली के बारे में अगर हम जान जाते हैं, जो राजस्थानी शैली थी मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, तो राजस्थानी शैली के नॉलेज के बाद हम, मेरा ये वीडियो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जो राजस्थानी शैली के ही ऊपर है। तो ये क्वेश्चन होंगे 60, ठीक है, और आप लोग के ऑलमोस्ट ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। या तो ये नेट जेआरएफ, DGT PGT, UP DGT PGT या HTET, ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। राजस्थानी शैली के बारे में 60 क्वेश्चंस मैं बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिए, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी चित्र शैली से। राजस्थानी चित्र शैली किस शैली का परिष्कृत रूप है? राइट आंसर इज थर्ड अपभ्रंश शैली। कुछ लोगों का कहना था कि मैं टिक लगाती हूँ तो दूसरे क्वेश्चन पे चला जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्ट उसी नंबर पे लगे, ठीक है, या मैं पॉइंट करके आपको बता दूंगी, पॉइंट करके, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि टिक करने से काफ़ी लंबा चला जाता है, तो शायद ये दूसरे टॉपिक पे चला जाता हो।
तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। राजस्थानी कला की शैली में बनी ठनी का राधा के रूप में अंकन किया गया था। ये लास्ट पेपर जो सॉल्व कराया है मैंने उसमें था किशनगढ़ शैली जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग शैली थी। तो आपको मैं डिटेल में उसके कुछ वन लाइन क्वेश्चंस भी बता दूंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरी राजस्थानी शैली के ही ऊपर आने वाली है, जो कि लास्ट के जो कुछ बचे हुए पार्ट थे उसको सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी, तो उससे बचा हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। शिकार के चित्रों का चित्रण किस शैली की विशिष्टता है? शिकार के चित्रों का चित्रण, आप पहले अपने मन में आप एक सोच लिया करो कि क्या आंसर होगा। आप देख लो कि आपके पास कितने आंसर के क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको तैयारी करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो शिकार के चित्रों का चित्रण शैली कोटा शैली की विशेषता रही है। महाराजा सावंत सिंह के संरक्षण में किस शैली का विकास हुआ? महाराजा सावंत सिंह के संरक्षण में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो किशनगढ़ शैली से ही आते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन अभी चार हमने किया और वो सारे राजस्थानी के किशनगढ़ शैली से थे, ठीक है। बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? बारहमासा के जो चित्र हैं वो ऋतु से संबंधित है, क्योंकि बारहमासा से हम पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 12 महीने के ऊपर ये चित्रित किया गया होगा। तो उस तरीके से बारहमासा मीन्स 12 ऋतुओं के चित्रण के बारे में ये चित्र होंगे। निम्न में से कौन सी राजस्थानी शैली है? कुल्लू शैली, मालवा शैली, बूंदी, मंडी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बूंदी। कोटा और बूंदी शैली आपकी राजस्थानी शैली से बिलोंग करती है, इसलिए यहाँ पे बूंदी शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिछवई किसके लिए चित्रित की गई है? पिछवई आपके नाथ द्वारा का जो पेंटिंग बनता है वो पिछवई कहलाता है। वो एक कृष्ण जी के बाल रूप के मंदिर के पीछे जो उनके बाल रूप का जो मूर्ति है उसके पीछे लगता है। तो ये राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? राजस्थानी चित्रकला राइट आंसर इज 16वीं और 17वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। 16वीं व 17वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र लघु चित्र में आते हैं या पोथी चित्र में आते हैं, वॉश और दीवाल। तो राइट आंसर इसका मिनिएचर हो जाएगा। मिनिएचर क्या? लघु चित्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मिनिएचर वर्क के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थानी चित्रकारों का प्रिय विषय था राम सीता, रावण, मंदोदरी, राधा कृष्ण, युद्ध। तो राइट आंसर इज राम सीता। राजस्थानी चित्रकारों का प्रिय विषय राम सीता था। बूंदी शैली का चित्र हिंडोला रागनी किस सन का है? हिंडोला रागनी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है राजस्थानी शैली के बूंदी शैली का। तो ये हिंडोला रागनी जो थी वो किस सन में बनी है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1700 में बनी है ये हिंडोला रागनी। राव उम्मेद सिंह जंगली शुअर का शिकार करते हुए चित्र किस राजस्थानी शैली का है? राव उम्मेद सिंह जंगली शुअर का शिकार करते हुए बूंदी। एक चीज़ आपको याद कर लेनी होगी कि बूंदी शैली में हमेशा शिकार के चित्र बने हैं। जो राजा थे उस समय के वो अपने साथ कलाकारों को भी लेके जाया करते थे और अपने शिकार का चित्र बनवाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली का है? राइट आंसर इज थर्ड साहबद्दीन। साहबद्दीन जो चित्रकार थे वो मेवाड़ शैली से थे, ठीक है, साहबद्दीन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सन 1651 ईस्वी में चित्रित रामायण के चित्रकार हैं। सन 1651 ईस्वी में चित्रित रामायण के चित्रकार, रामायण राजस्थानी शैली में लगभग सारी उपशैलियों में बने हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 1651 में जो रामायण चित्रित किया गया था उसके चित्रकार कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर। फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है।
डालू राम की शैली का चित्रकार था। डालू राम जो था वो जयपुर शैली का चित्रकार था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, डालू राम किस शैली का चित्रकार था, वो थे जयपुर के। बनी ठनी किसकी प्रेयसी थी, तो उम्मेद सिंह, नागरी दास, निहाल चंद, उदय सिंह। राइट आंसर इज नागरी दास। ठीक है, नागरी दास की जो प्रेयसी थी उसका नाम था बनी ठनी। बनी ठनी को राधा के स्वरूप भी माना जाता था, बनी ठनी को राधा की तरह देखा जाता था। और बनी ठनी के बारे में एक बहुत बड़ा, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें बहुत ही अच्छा मैंने डिस्क्राइब किया है कि विद्वान ने उनको, बनी ठनी को वेस्टर्न आर्ट की मोनालिसा से कंपेयर करा है और बोला है कि वो एक बनी ठनी इंडियन मोनालिसा कही जाती है, इंडियन मोनालिसा पेंटिंग होती है। किशनगढ़ शैली की सर्वप्रमुख विशेषता है, किशनगढ़ शैली की सर्वप्रथम विशेषता नारी चित्रण, जो अभी हमने बनी ठनी की बात की वो नारी चित्रण उसकी सर्वप्रथम विशेषता मानी जाती है। ढोला मारू की शैली में चित्रकारों का प्रिय विषय रहा है। ढोला मारू एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जो कि राजस्थानी शैली में है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है ढोला मारू किस शैली की विशेषता है, तो ढोला मारू मेवाड़ शैली की, जो सबसे पहली शैली थी, जो सबसे राजस्थानी शैली की जो सबसे प्राचीन शैली थी मेवाड़ शैली, उसकी विशेषता है, उसकी विशेष विषय रहा है ढोला मारू। हाथी दांत पर व्यक्ति चित्रण किस शैली की विशेषता है, कौन सी शैली में, यहाँ क्वेश्चन ये है कि कौन सी शैली में हाथी दांत पर व्यक्ति चित्रण किया जाता था। अलवर शैली में हाथी दांत पर व्यक्ति चित्र किया जाता था। ये नेशनल गैल संग्रहालय नई दिल्ली में बहुत सारे ऐसे चित्र मौजूद हैं, राजस्थानी शैली के, बनी ठनी और बहुत सारे पहाड़ी शैली और मुगल शैली के बहुत सारे चित्र हैं जो यहाँ के नेशनल गैलरी न्यू दिल्ली में रखे हुए हैं। रुकनुद्दीन किस शैली का प्रमुख चित्रकार था, रुकनुद्दीन जो था वो बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार था। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट्स, ये 60 क्वेश्चंस हमेशा किसी न किसी पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं, कोटा शैली के उत्कृष्ट चित्र हवेलियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हवेलियों में, राजा अपने हवेलियों में ये चित्र बनवाया करते थे, कोटा शैली हवेलियों में दिखते थे। हाथों द्वारा कागज का निर्माण कहाँ होता था, जब कागज का निर्माण होने लगा था तो कौन सा ऐसा जगह था जहाँ पे कागज का निर्माण किया जाता था, ये पूछा गया है, तो इस राइट आंसर इज सांगानेर। सांगानेर की चादर भी बहुत फेमस है राजस्थान में, वहीं पे कागज का भी निर्माण होता था। निम्न में से कौन जयपुर शैली का चित्रकार नहीं है, साहिब राम, शिव कुमार, निहाल चंद, लाल। राइट आंसर इज थर्ड, निहाल चंद। निहाल चंद जो था वो किशनगढ़ शैली का था, जयपुर शैली का नहीं था। तो साहिब राम और शिव कुमार और लाल, ये तीनों जयपुर शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, निम्न में से कौन ब्रज निधि के नाम से कविता करते थे, राइट आंसर इज थर्ड, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जो थे वो ब्रज निधि के नाम से कविता करते थे। जयपुर, पिछले वीडियोस में मैंने अपने राजस्थानी शैली का जो डिस्क्राइब किया हो उसमें बताया है कि सवाई प्रताप सिंह एक कवि थे, कला संग्रह करता थे, इस वजह से उनके राज्यकाल में कला को बहुत अच्छा संरक्षण मिला और कला एक तरह से स्वर्ण युग पे मानी जाती है राजस्थानी शैली में। जयपुर शैली में आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण चित्रकार कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहिब राम। साहिब राम व्यक्ति चित्र जो बनाता था वो आदमकद मीन्स बड़े बड़े व्यक्ति चित्र पेंटिंग करता था, साहिब राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस शासक ने की थी, राइट आंसर इज सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र किस राजा के शासनकाल में निर्मित हुआ है, राइट आंसर इज 4, सवाई प्रताप सिंह के
राजकाल में हुआ है निर्मित, ठीक है। फोर, लिपटवा पटचित्र की शैली की विशेषता है। लिपटवा राजस्थानी शैली की एक बहुत ही प्रसिद्ध शैली थी लिपटवा, जो कि पूछा गया है यहाँ पे कि मेवाड़ शैली में, बूंदी शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, कौन सी शैली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर अलवर शैली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर चित्रण किस राजस्थानी शैली की विशेषता है। एक तरह से देखा जाए तो हाथी दांत पर भी चित्रण हुए, पेपर पे भी चित्रण हुए, ऊंट की खाल पर भी चित्रण होते हैं राजस्थानी शैली में। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछता है कि ऊंट की खाल पर चित्रण किस राजस्थानी शैली की विशेषता है। तो राइट आंसर इज ए फोर, बीकानेर शैली, ठीक है। राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए गए थे। कपड़े पर, ताड़पत्र पर, वसली पर, भित्ति पर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वसली पर बनाए गए थे, ज़्यादातर वसली पर बनाए गए थे। राजस्थानी का शैली का संबंध किस शैली से रहा है। राजस्थानी शैली का बौद्ध शैली, मुगल शैली, जैन शैली, मध्यकालीन सुलीपी शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल शैली से संबंध इसका रहा है। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी अपनी राजस्थानी शैली में, उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि मुगल शैली से कैसे संबंध इसका रहा है। आप उसमें जाके देख लेना, अगर आप को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर डाल दूंगी। राजस्थानी शैली में किन कलाओं की उन्नति के चिन्ह दिखने लगे थे। साहित्य, शिल्प, वास्तु, संगीत। राइट आंसर इसका हो जाएगा वास्तु के, ठीक है। वास्तु की कलाओं के उन्नति के चिन्ह दिखने लगे थे। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र अधिक बने हैं। राम, कृष्ण, शिव, देवी। राइट आंसर इज कृष्ण, ठीक है। कृष्ण के चित्र भगवान की लीलाओं के बाद जैसे ही आती है वैसे कृष्ण के चित्र की बात आती है, ठीक है। 34, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बांदी कुई। राइट आंसर इज फर्स्ट जयपुर। जयपुर हिंदू कला का प्राचीन केंद्र रहा है। राजस्थानी शैली टेक्निक का प्रधान गुण क्या है। राजस्थानी शैली का प्रधान गुण रहस्य, धार्मिकता, जनसाधारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिकता। धार्मिकता इज द राइट आंसर। सेकंड, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है। राइट आंसर इज फर्स्ट अजंता। अजंता में जिस तरीके से उत्साहित चित्र बने हैं वैसे ही राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में भी उत्साह दिखता है। देश की पौराणिक और ग्राम्य आख्यायिकाएं राजस्थानी शैली के विषय कैसी रही हैं। राइट आंसर इज फर्स्ट हिंदुओं का नित्य का जीवन। नेक्स्ट, साधारण भारतीय के घरेलू जीवन का जितना सुंदर और स्वाभाविक चित्रण राजस्थानी शैली के चित्रकार ने किस प्रकार किया है। गांव के बाजार, गांव के पनघट, गांव के घरेलू काम धंधे, गांव के खेल खलिहान, खेत खलिहान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव के घरेलू काम धंधे के रूप में राजस्थानी चित्रों ने साधारण घरेलू जीवन शैली का सुंदर और वास्तविक चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली में पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है। इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है। हाथियों का, हिरणों का, गायों का, भेड़ों का। राइट आंसर इज गायों का ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण हुआ है। राजस्थानी व्यक्ति चित्रों को कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं। राजस्थानी व्यक्ति चित्रों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जयपुर शैली के व्यक्ति चित्र किस प्रकार के हैं। रूढ़िवादी, अलंकारिक, कठोर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज कठोर। जयपुर शैली के व्यक्ति चित्र जो थे थोड़े से हार्ड टाइप के बने हैं। साधु और फकीरों के व्यक्ति चित्रों में साधु के मुख के चित्रण में साधुता और विद्वत्ता का बड़ा सुंदर आभास किस शैली में दिया गया है। राइट आंसर इज थर्ड बूंदी शैली में। साधु और फकीरों के व्यक्ति चित्रों में साधु के मुख्य चित्रण में साधुता और विद्वत्ता का बड़ा सुंदर आभास बूंदी शैली में दिया गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार हैं। तो राइट आंसर इज सेकंड ऊंट पर सवार हैं, ठीक है। 43 का 2 हो जाएगा। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। ढूंढार, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार, हड़ौती।
ये चार जो उपकलाएं थी राजस्थानी शैली की, उसके अंदर भी कुछ उनकी उपकलाएं थी, तो ढूंढार शैली के अंदर कौन सी चित्रकला जानी जाती है? इसका राइट आंसर जयपुर शैली हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में दिया है, आप पीछे जाके आप देख लेना या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक में क्लिक करके देख लेना पूरा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो वाला मेरा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है? मुगल शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली, गुजरात शैली, मारवाड़। तो राजपूत शैली को राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। इसका विद्वानों में मतभेद था कि राजस्थानी शैली रखा जाए इसका नाम, या हिंदू शैली, या राजपूत शैली। कहीं कहीं आप राजपूत शैली के नाम से भी इसको पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं आप हिंदू शैली के नाम से भी पढ़ सकते हैं। तो विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार उन्होंने इस कला को अलग अलग नाम दिया, लेकिन सर्वमान्य जो हुआ वो राजस्थानी शैली ही थी। किशनगढ़ नगर की स्थापना किसने की थी? किशनगढ़ नगर की स्थापना राजा किशन सिंह ने की थी। किशन सिंह राइट आंसर इज फोर्थ किशन सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, सुरजन, सवाई जय सिंह। तो राइट आंसर इज फर्स्ट निहाल चंद। राज सिंह ने अपनी चित्रशाला में प्रबंधक किसको बनाया था? राइट आंसर इज फोर निहाल चंद। निहाल चंद को प्रबंधक बनाया था राज सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किस रूप में किया? तो मैंने इसको कई बार बताया, नागरी दास ने बनी ठनी को राधा के रूप में उसका वर्णन किया था, चित्रित किया था। बनी ठनी का चित्रण किस शैली में हुआ था? किशनगढ़ शैली में। ये क्वेश्चन बार बार आता है और यहाँ पे भी इसने बार बार अलग अलग तरीके से पूछा है, टीजीटी पीजीटी और डीएसएसबी सारे में ये एक बार ज़रूर आता है। हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है? बूंदी शैली रही है, बूंदी रही है। सोलहवीं शती के मध्य किस राजा के समय में बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध होते हैं? तो राजा राय और सुरजन सिंह के समय में बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध होते हैं। बूंदी शैली के अधिकांश चित्र कहाँ संग्रहित हैं? बूंदी शैली के अधिकांश चित्र जो हैं विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित हैं। हड़ौती शैली का उद्भव कहाँ पर हुआ था? हड़ौती शैली का उद्भव सब बूंदी में हुआ था। ठीक है, हड़ौती में बूंदी और कोटा दो शैलियाँ आती हैं, जिसमें हड़ौती शैली का सबसे उद्भव जो होता है वो बूंदी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है? कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय राम सिंह को जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज फोर राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी? कोटा शैली राजा उम्मेद सिंह के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी। क्वेश्चन नंबर 57। कोटा शैली में अधिकांश चित्र किससे संबंधित हैं? कोटा शैली में अधिकांश चित्र जो थे वो पशुओं के शिकार से संबंधित थे। लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद राय किस शैली से संबंधित चित्रकार थे? ये सारे जो कलाकार थे ये कोटा शैली से संबंधित थे। कोटा शैली राइट आंसर इज फर्स्ट कोटा शैली। क्वेश्चन नंबर 59। जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा हुआ? राइट आंसर इज फोर कछवाहा वंश के द्वारा हुआ था। कछवाहा वंश, जयपुर शैली का संरक्षण कछवाहा वंश के द्वारा हुआ था। साहिब राम और लाल चितेरा नामक चित्रकार किस शैली से संबद्ध थे? राइट आंसर इज टू जयपुर शैली से संबद्ध थे। ठीक है, तो ये रहा 60 क्वेश्चंस जो राजस्थानी शैली से रिलेटेड थे, आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।